हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे शिबा इनू कॉइन से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के। जिस प्रकार से आपने देखा बिटकॉइन का ईटीएफ हमें देखने को मिला, क्या इन फ्यूचर हमें शिबा इनू कॉइन का ईटीएफ भी देखने को मिल सकता है, इसको लेकर क्या कुछ यहां पर अपडेट आ रही है, इनकी टीम के द्वारा इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि अभी के समय तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर इनकी टीम के क्या कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं। साथ ही बात करेंगे यहां पर 0.01 डॉलर के लेवल को लेकर क्या कुछ यहां पर एनालिस्ट का कहना है, क्या ये पॉसिबल है और कब तक यहां पर शिबा का जो प्राइस है वो 0.01 डॉलर के लेवल को हिट कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर शिबा इनू कॉइन की जो मैगजीन है लगातार यहां पर रिलीज की जा रही है, लॉन्च की जा रही है, और इस बार यहां पर अगर हम मैगजीन की बात करें उसमें जो स्पॉट बीटीसी ईटीएफ अभी अप्रूव हुआ उसके बाद यहां पर यह कहा जा रहा है, इनकी मैगजीन में यह शो किया गया है, उस पर फोकस भी किया गया है कि क्या यहां पर शिब ईटीएफ भी आ सकता है। वेन शिब ईटीएफ, यहां पर अगर हम कैंपेन की बात करें, शिबा इनू प्रोजेक्ट जो है वो लगातार यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इकोसिस्टम इसका लगातार ग्रो हो रहा है, और जब किसी कॉइन का इकोसिस्टम ग्रो होता है, इन्वेस्टर्स वहां पर ट्रस्ट जताते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर पॉसिबिलिटी होती भी है कि आने वाले समय में उसको ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर यूज करें, उसको बाय करें, और अगर ऐसा होता है तो कम्युनिटी की डिमांड पर हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि शिबा ईटीएफ देखने को मिल जाए, ऐसा यहां पर इनका कहना है। मतलब अगर हम सोशल मीडिया पर डोमिनेंस भी देखें, शिबा की डोमिनेंस काफी ज्यादा है, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर हम देखें इस ईटीएफ को लेकर वो अभी के समय में काफी कम है, क्योंकि अगर हम बात करें अभी जो आपने स्पॉट बीटीसी ईटीएफ देखा उसके बाद जो नेक्स्ट कॉइन हो सकते हैं उनका ईटीएफ आ सकता है उसमें इथेरियम है, जिसको लेकर डेडलाइन भी मई और जून के आसपास है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉइन हो सकता है वो एक्सआरपी हो सकता है, सोलाना हो सकता है। और अगर हम टॉप 15-20 की बात करें, कुछ ऐसे कॉइन्स जिनको लेकर यहां पर कम्युनिटी काफी ज्यादा डिमांडेबल है, वो यहां पर चाहती है, तो वो शिबा इनू कॉइन भी है, क्योंकि इसको लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। शिब ईटीएफ को लेकर आप जो स्टेटमेंट देख रहे हैं वो इनकी मैगजीन में भी देखने को मिला हुआ है, वहां पर भी ये क्वेश्चन किया गया है कि क्या शिब ईटीएफ देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। इसके अलावा अगर हम बात करें सीतोशी कुसामा, जिनका यहाँ पर एक ट्वीट आया हुआ है, जो थ्रेड है उन्होंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है, और वो यहाँ पर वॉलेट एड्रेसेस को लेकर ही है। मतलब कितने टाइम आपको यहाँ पर डबल चेक करना पड़ता है जब आप अपना वॉलेट एड्रेस डालते हैं ट्रांजेक्शन के दौरान, काफ़ी बार यहाँ पर ये जो दिक्कतें हैं वो क्रिएट होती है। कॉम्प्लेक्स वॉलेट एड्रेस में नो सेंस टू द एवरेज यूजर, और यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि इस प्रकार से जो लंबे और कॉम्प्लेक्स वॉलेट एड्रेसेस है उनका कोई सेंस नहीं होता है किसी एवरेज यूजर के लिए, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि D3 INC के साथ इनकी यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है, जो यहाँ पर शिब नेम टोकन लेकर आने वाला है। मतलब आप अगर यहाँ पर अमाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं मल्टी चेन में भी, तो यही एड्रेस आपका यहाँ पर, ये जो नेम है शिब नेम टोकन्स के थ्रू आपका जो यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगा वो यहाँ पर काम कर जाएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म यूजर नेम में भी, मतलब अगर आप यहाँ पर अपनी वेब 3 जर्नी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वन नेम टोकन जो है वो रिप्लेस कर देगा आपके सारे वॉलेट एड्रेसेस को, और वो आपके लिए इजियर हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर जो हंड्रेड ऑफ डिजिटल एसेट्स हैं उनको रिसीव भी करना होगा, तो आप यहाँ पर इस वॉलेट एड्रेस का यूज कर सकते हैं। मतलब यहां पर इन्होंने जो प्रमोशन है वो किया हुआ है, और इन्होंने कहा हुआ है कि जिस प्रकार से हमने यहां पर D3 के साथ पार्टनरशिप की है, जो यहां पर हम डोमेन लेकर आने वाले हैं, जो यहां पर हर एक यूजर की आइडेंटिटी लेकर आने वाली है, वो यहां पर फायदेमंद होने वाली है अगर आप यहां पर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है जो यहां पर फंडामेंटली कहीं ना कहीं से टेक्निकली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बना रही है। क्योंकि अगर हम शिबा के इकोसिस्टम की बात करें, टेक्निकली और फंडामेंटली यहां पर शिबा जो है इकोसिस्टम बेसिस पर ग्रो हो रहा है। साथ ही यहां पर शिब मैगजीन को लेकर आप एक ट्वीट देख सकते हैं, 10th एडिशन यहां पर इसका आ चुका है, और उसको भी यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। गिव अवे भी यहां पर इनकी टीम के द्वारा जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से शेयर किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 24 आवर्स पहले यहां पर कम्युनिटी के लिए एक यहां पर मैसेज शेयर किया गया था शिबा की टीम के द्वारा, इन द वर्ल्ड ऑफ और इकोसिस्टम द विजनरीज वंस डोंट जस्ट वॉच हिस्ट्री दे मेक इट। यहां पर इन्होंने क्लियरली कम्युनिटी को यहां पर टेक किया हुआ है कि कम्युनिटी यहां पर इनके साथ जुड़ी हुई है, और उन्होंने यही कहा हुआ है कि हम यहां पर साथ में मिलकर हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। मतलब हम यहां पर जो कम्युनिटी है उसके साथ है, और कम्युनिटी भी हमारे साथ लगातार यहां पर जुड़ी हुई है, जो शिबा के इकोसिस्टम को लगातार ग्रो करवाते हुए नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर शिबा इनू कॉइन के प्राइस प्रेडिक्शन को लेकर ChatGPT का क्या कुछ कहना है, कुछ अदर एनालिस्ट है जिनका क्या कुछ यहां पर कहना है 0.10 डॉलर को लेकर, क्या शिबा यहां पर इस प्राइस लेवल पर जा सकता है। ChatGPT और गूगल बार्ड का यहां पर प्रेडिक्शन देखने को मिल रहा है, 0.1 डॉलर का जो टारगेट है उसको लेकर यहां पर बात हो रही है। मतलब INR में देखेंगे तो एक अच्छा खासा लेवल यहां पर हम देख रहे हैं, जो इनका मानना है कब तक जा सकता है। ChatGPT की बात करें तो इन्होंने ये कहा हुआ है कि 0.1 डॉलर का जो माइलस्टोन है एनालिसिस इनके मुताबिक किया गया, और ये पॉसिबल हो सकता है 2029 तक, मतलब 2029 तक शिबा का जो प्राइस है वो यहां पर इस लेवल पर देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही यहां पर कुछ अदर एनालिस्ट है फर्म्स है उनका क्या कुछ कहना है। प्लेटफॉर्म टेलीगॉन के द्वारा क्या कहा गया है कि 0.0058
यहाँ पर शिबा का मैक्सिमम प्राइस होने वाला है बाय द एंड ऑफ 2029। तो यहाँ पर इनका कुछ अलग प्रिडिक्शन देखने को मिल रहा है। गूगल बार्ट की अगर हम बात करें, गूगल बार्ट भी यहाँ पर प्रिडिक्ट करता हुआ नजर आ रहा है शिबा के प्राइस को लेकर, क्या कुछ इनका कहना है वो भी आप देख सकते हैं। फिर भी अगर हम देखें यहाँ पर जो एनालिस्ट है और ओवरऑल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2029 तक शिबा का जो प्राइस है $0.1 तक चला जाएगा। 2029 काफी टाइम है, लेकिन अगर हम 2025 की बात करें, उम्मीदें काफी ज्यादा है कि 2025 तक शिबा का जो प्राइस है उसमें से अभी जो आप देख रहे हैं 5 जीरो बने हुए हैं, 2 या 3 जीरो को किल करके 0.00 या फिर 0001 के लेवल पर आ सकता है, क्योंकि बुल रन अभी भी आया नहीं है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और बहुत जल्द 2024 में उम्मीद है कि बुल रन हमें देखने को मिलेगा, जिसमें काफी सारे यहाँ पर जो कॉइन्स है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेंगे और शिबा भी नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। एक चीज अभी आपको ये सोचने वाली होगी कि अभी के समय में प्राइस पर इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, बुल रन में ऐसा क्या हो जाएगा? बुल रन में यहाँ पर नए इन्वेस्टर्स आएंगे और जो पुराने इन्वेस्टर्स है, जो वेल्स है, वो इंटरेस्टेड नजर आएंगे, जिस वजह से प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि 2021 में भी सप्लाई काफी ज्यादा था, लेकिन उसी सप्लाई पर इसने नया हाई हिट किया जो अभी आप देख रहे हैं उससे लगभग 90% डाउन में। तो फिर से यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई हिट कर सकता है, 90% अबव जा सकता है, और उतना भी गया तो आपके लिए वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जहां से एक अच्छा प्रॉफिट ये आपको अर्न करके दे देगा। तो काफी सारे कॉइन्स है, लेकिन शिबा यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में होना इसलिए भी जरूरी क्योंकि मीम कॉइन है और प्राइस काफी कम है। कम अमाउंट में भी आप एक अच्छे खासे कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में एड कर सकते हैं। दोस्तों और कोई भी अपडेट के लिए चैनल से जुड़ जाएं, साइट टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।